हेलो। हाँ जी, होर की हाल चाल सारे का? आई होप तुसी सारे वधिया होंगे। अज अपना हैगा जी दुबई का डे 3, ते अज अपा सारे चले हाँ आबू धाबी। ते हुण इत्थे आबू धाबी जाण दे लई एक रूल हैगा कि तुहानू RT-PCR टैसट जिहड़ा हैगा वह कंपलसरी है, भावें तुसी वैक्सीनेटिड हैगे हो तां वी। सो चलो बस अपनी कार आनी वाली है पिकअप दे लई, ते अपा चलते हैं आबू धाबी एंड करते उधर इंजॉय। एंड उस तो बाद अपना जो अज ईवनिंग टाइम हैगा वो फ्री हैगा, सो आप देखते हैं मे बी आप मॉल जावे। तो आ जाओ चलिए सारे, तो करते उ इंजॉय। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 स्टेट्स हैं, मतलब 7 शहर हैं बड़े, जो 7 शहर एज स्टेट काम कर रहे हैं। स्टेट मीन के 7 शहर में 7 राजा की गवर्नमेंट है। अबू धाबी है जो स्टेट नेम्स हैं, अबू धाबी है, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम अल क्वीन, फुजैरा, ये 7 बड़े शहर हैं और 7 शहर में 7 राजा की गवर्नमेंट है। अबू धाबी जी अलग अलग, अबू धाबी कैपिटल है और अबू धाबी का राजा प्रेसिडेंट भी है और दुबई का राजा वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी है। तो ये 2 स्टेट ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा फेमस हैं। बाकी स्टेट्स में इतना ज़्यादा वो फेमस नहीं है, रिच नहीं है इतनी ज़्यादा। अबू धाबी वालों के पास ऑयल का पैसा है, ज़्यादा ऑयल है वहाँ पे, वहाँ टूरिस्ट कम है, टूरिज्म नहीं है। और दुबई वालों के पास ज़्यादा टूरिज्म है। टूरिज्म तो अभी आया 12-13 साल से, 2010 के बाद से, जब से बुर्ज खलीफा बना। उससे पहले जो इनका मेन जो बिजनेस था वो दुबई के जो बड़ी पोर्ट है जबल अली पोर्ट, वो रास्ते में पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ से जितना भी ट्रेड होता था दुबई वाले उस पर डिपेंडेंट थे, जो गल्फ़ की और एशिया की अब सबसे बड़ी पोर्ट उसको कह सकते हैं, जितना भी ट्रेड होता था उससे फिर उनका रेवेन्यू वहाँ से आता था। बाकी स्टेट्स की बात करें तो वो इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, टूरिस्ट भी नहीं है। तो ये 2 ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा पैसा है। 2 दिसंबर 1971 से ये लोग एज अ नेशन काम कर रहे हैं, उससे पहले ये सब अलग अलग थे। जैसे दुबई एक टाउन था, अबू धाबी एक छोटा टाउन था, तो जो उस टाउन के ज़्यादा बड़ी रिच फैमिलीज थी, पावरफुल थी, वही उस टाउन के हेड थे। अबू धाबी का जो राजा था उस वक्त, या अबू धाबी फैमिली का जो रिच ज़्यादा मोर पावरफुल फैमिली थी, शेख जायद नाम था उनका। जब ऑयल मिला तो फिर शेख जायद ने इन सब को इकट्ठा किया 2 दिसंबर 1971 को, तो तब से ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनको बोला जाता है। सारा क्रेडिट अबू धाबी वाले राजा को जाता है, जिसका बेटा अभी प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो चुकी है शेख जायद की। आप उसकी पिक्चर हर जगह देखेंगे, मॉल में, हर जगह पे। शेख जायद ने सबको इकट्ठा किया, सारा क्रेडिट उसको जाता है, तो उस वजह से उसको ये फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। ये आपकी लेफ्ट पे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, दुनिया की ओनली बिल्डिंग है जिसका कोई कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर लेस बिल्डिंग है। 7 फ्लोर है इसमें और इसमें उन्होंने फ्यूचर प्लान्स बताए हैं कि हम आइंदा 20-25 सालों में हमारे क्या टारगेट्स हैं। शेख जायद को ये फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, जो यूए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और अबू धाबी के राजा थे। तो शुरू से ही अबू धाबी कैपिटल है और अबू धाबी का राजा प्रेसिडेंट है। अभी हम मेन हाईवे पे हैं, शेख जायद रोड पे हैं, जो यूएई की सबसे लंबी हाईवे है, 7 स्टेट्स को कनेक्ट करती है। अगर हम साउथ में चलें तो अबू धाबी है साउथ साइड पे और बाकी सारी स्टेट्स
नॉर्थ साइड पे ऑपोजिट रोड जाती है, सीधा नॉर्थ पे निकल जाती है। तो सातों स्टेट्स में से छह स्टेट्स तो बिल्कुल एक सीध में सीधा चले अबू धाबी। हमारी राइट पे समंदर है, तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर राइट पे समंदर है पूरा। और अगर ईस्ट में चलें तो इन बिल्डिंग्स के पीछे 5 किलोमीटर मैक्सिमम डेजर्ट है, और डेजर्ट में नई कंस्ट्रक्शन हर जगह। आपकी लेफ्ट पे मेन डाउनटाउन एरिया है, मेन बिजनेस पे एरिया, जिसको दुबई का मेन बिजनेस हब भी बोलते हैं, यही वाला एरिया है बुर्ज खलीफा वाला। ये बुर्ज खलीफा में इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसका नाम बुर्ज दुबई था। बुर्ज बोलते हैं बिल्डिंग को, अरेबिक वर्ड है बिल्डिंग या टावर। इसका नाम बुर्ज दुबई था। उस वक्त पूरी वर्ल्ड में क्राइसिस आए थे अराउंड 2008 के आसपास में, और तब बुर्ज दुबई की कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई थी। फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हो गया था दुबई भी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में आए थे। तो उस वक्त में फिर अबू धाबी का जो राजा, जिसका नाम शेख खलीफा था, जिनकी अभी डेथ हुई है, प्रेसिडेंट भी था, तो उसने इनकी हेल्प की थी, पैसा दिया था। तो वहाँ से फिर इन्होंने उसको एज अ रिवॉर्ड समझ लें, उसकी हेल्प की, तो इन्होंने उसका नाम चेंज किया, बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा कर दिया, मीन खलीफा टावर। आपकी राइट पे दुबई मरीना है, मतलब पॉश एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर अपार्टमेंट ज़्यादा हैं। ये दुबई ट्राम है, राइट पे ट्राम सिर्फ मरीना के एरिया में चलती है, थोड़ा सा एरिया है। सीधा चले अबू धाबी, यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है, और उसके बाद फिर आगे 4 घंटे की ड्राइव है सऊदी अरेबिया बॉर्डर तक। और अगर ऑपोजिट साइड पे चलें नॉर्थ पे, तो मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे नॉर्थ बॉर्डर पे, हम बिल्कुल पीछे नॉर्थ बॉर्डर जा कनेक्ट होगा। वेस्ट पे पूरा समंदर है। दुबई सिटी जो है नैरो है, वेस्ट टू ईस्ट बहुत कम है, और लास्ट ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ट्रैफिक चल रही है, वो सिटी का एंड है, उसके बाद आगे समंदर है पूरा। यहाँ से अबू धाबी कुछ 1.25 घंटा, और आगे अबू धाबी से आगे लगभग 4.25 घंटे सऊदी अरेबिया बॉर्डर को जा कनेक्ट होंगे। और अगर यहाँ से ईस्ट में चलें, ईस्ट में ओमान का बॉर्डर है, वेस्ट में तो आपने देखा ये 5-7 मिनट की ड्राइव है, समंदर है पूरा आगे। और अगर ईस्ट में चलें 2.25 घंटे ओमान बॉर्डर को कनेक्ट हो जाएंगे, और नॉर्थ में चलें 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम पीछे नॉर्थ बॉर्डर है। तो बहुत छोटा सा कंट्री है ये, अगर आप सुबह स्टार्ट करें तो शाम तक आप 7 स्टेट्स घूम के फिनिश कर सकते हैं, बल्कि नॉर्थ से साउथ बॉर्डर भी जा सकते हैं। साउथ साइड को न्यू दुबई भी बोलते हैं, और जो देरा बर दुबई है वो नॉर्थ वाली, वो पुराना दुबई है। ये आपके सामने पिक्चर है शेख जायद की, इनकी डेथ हो चुकी है अभी, इनका बेटा, एक बेटे की डेथ हो गई है कुछ 10 दिन पहले, वो प्रेसिडेंट थे, अभी उसका भाई जो है वो प्रेसिडेंट है यूएई का, और अबू धाबी का राजा भी है। मैनू अबू धाबी की एक गल बहुत वधिया लगी कि इत्थे हर पासे ग्रीनरी बहुत है, तो नेचर दे नाल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा डेजर्ट है। सो इन्होंने एक बहुत वधिया सिस्टम किया हुआ है, ड्रिपिंग सिस्टम, ऑलसो नोन एज इरीगेशन सिस्टम, तो उहदे नाल इह प्रॉपर प्लांट्स दे विच वाटर दिंदे ने। तो सब तो वधिया गल इह है कि रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करते हैं, कि जिहड़ा भी वेस्ट वाटर हुंदा उहनू रिसाइकल करके तो इह इहदे लई यूज़ करते हैं कि चारों पासे ग्रीनरी कर सकन। यूएई की सबसे बड़ी मॉस्क, 41,000 लोग एट अ टाइम प्रे कर सकते हैं, 41,000। मेन हॉल में जो अंदर इसका मेन हॉल, प्रेइंग हॉल है, तकरीबन 7,200।